देखिए इस क्वेश्चन में करंट आई फ्लो कर रहा है यहाँ पर, और अगर हम इसको देखें तो दीज फोर वायर्स आर आइडेंटिकल, सो देयर रेसिस्टेंस आर इक्वल। मान लो इसका रेसिस्टेंस आर मान लेते हैं, तो ये रेसिस्टेंस हो गया 4R, ये हो गया R। जब करंट हम डिवाइड करेंगे तो इसमें जो करंट जाएगा, लेट सपोज I1, ये जाएगा टोटल करंट इंटू आर डिवाइड बाई 5R, सो इट इज़ I बाई 5। और जब ये वाला जो करंट जाएगा I2 मान लेते हैं इसको, ये जाएगा 4I बाई 5। अब अगर हम फील्ड की बात करें इस पॉइंट पर, तो इस वायर का फील्ड अंदर, इसका भी अंदर, इन चारों का फील्ड अंदर आएगा, और एक का जो फील्ड होगा वो इस, ये लेंथ बराबर है, सिमेट्रिकल है, बट इसमें करंट 4 टाइम्स है, इसमें करंट I बाई 5, इसमें 4I बाई 5। इन चारों का अगर जोड़ दिया जाए तो इसके इक्वल आएगा, और इसका जो फील्ड होगा वो ऊपर होगा और इसका फील्ड अंदर होगा, तो नेट फील्ड जो आएगा दैट इज ज़ीरो, बी नेट इक्वल टू ज़ीरो। वी कैन कैलकुलेट ऑल्सो बाई मैथमेटिकली। और अगर इसको हम यहाँ भी लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जानते हैं क्लोज लूप में टोटल फील्ड हमेशा ज़ीरो आना है। अगर हम यहाँ भी लगा दें इसको तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये यहाँ से करंट गया, यहाँ से निकला, तो इधर वाले जो होंगे वो 3R हो जाएंगे और ये 2R, तो उसी हिसाब से करंट भी डिवाइड होगा। इसमें जो करंट आएगा I1, दैट इज I इंटू 2R बाई 5R, 2I बाई 5, और यहाँ जो करंट आएगा I2, दिस इज 3I बाई 5। ये तीन है, ये दो हैं, बात बराबर ही है, तो फील्ड जो होगा वो वापस से इक्वल आएगा, ज़ीरो आएगा। सो ये ऑप्शन सही है इसकी।